नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24, 25, 26 और 27 नवंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि। आपके लिए 24 नवंबर का दिन अपने आप में एक सधा हुआ दिन रहेगा। इस दिन आप अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए खुद अपनी पहल करेंगे, यानी खुद ही आगे आएंगे और बिना किसी के इंतजार किए हुए अपनी योजनाओं पर काम शुरू कर देंगे या कर सकते हैं। 24 नवंबर के दिन आप सोचेंगे कि आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए और ड्राइविंग सीट पर खुद रहना चाहिए, बजाय इसके कि किसी और को वो चलाने दें। आप अपने जीवन से जुड़े निर्णयों को स्वयं लेना चाहेंगे, न सिर्फ निर्णयों को बल्कि अपने जीवन से जुड़े हर एक पहलू पर आप अपनी कमांड चाहेंगे। 25 नवंबर के दिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा आपके जीवन में। ये परिवर्तन ईश्वर प्रदत्त रहेगा। कुछ चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होंगी आपकी मर्जी के बिना। शुरू में आपको लग सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी बदल रही हैं जिन्हें आप नहीं चाहते थे कि बदलें, लेकिन वे चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है लोगों का स्वभाव बदले, हो सकता है कहीं कहीं आपका भी स्वभाव बदल जाए। 25 नवंबर के दिन आने वाले इस परिवर्तन का स्वागत करिएगा और उम्मीद करिएगा कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब ईश्वर चीज़ों को परिवर्तित करते हैं तो चीज़ें बेहतरी के लिए करते हैं। 26 नवंबर के दिन विवाह जनित खुशियां आपके घर में आएंगी। हो सकता है कि आप किसी विवाह समारोह में आमंत्रित हों या आपके परिवार में ही ऐसा समारोह आयोजित हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने परिवार में एक ऐसे वातावरण को महसूस करें जो बहुत दिनों से आपको फील नहीं हो रहा था। एक खुशी का, एक मनोरंजन का वातावरण आप महसूस करेंगे। विवाह का प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो, और अगर आप मैरिड हैं तो 26 नवंबर के दिन आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ आपका समय बड़ा ही अच्छा बीतेगा। 27 नवंबर के दिन आप अपने आप में एक पावरफुल पोजीशन महसूस करेंगे। आपका मन बहुत ही स्थिर रहेगा और आप अपने आप को बड़ा ही मैच्योर फील करेंगे। इस मैच्योरिटी वाली फीलिंग में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 27 नवंबर बढ़िया है। परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के बाबत कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन अच्छा है। बेहतर होगा कि 27 नवंबर के दिन आप अपनी अथॉरिटी को बरकरार रखने की कोशिश करें और किसी भी तरह के दबाव में ना आएं। तो दोस्तों, ये था राशिफल 24, 25, 26 और 27 नवंबर के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।